Ну, это ты. यहाँ पर अभी अंधेरा हो चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है एंड यहाँ पर लाइट लेकिन बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि वो लाइट लगी हुई है एंड और भी यहाँ पर जो थोड़ी बहुत लाइट है तो यहाँ पर अब देखते हमारे मॉडल साहब बने लो जी साढ़े सामने मॉडल साहब खड़े हैं आपको ये वीडियो कैसे लगी आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं एंड अगर आपको इस वीडियो में से कुछ अच्छा नया देखने को सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे भाई को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी बताओ जी मेरी आईडी है जी आई एम गुरकरण आई ए एम और जी यू आर के ए आर ए एन तो साडा भी मारा ही कर दो बाकी मिलते हैं साडा भाजी सानू रह गए असी गाइस आज हम कैमरा यूज कर रहे हैं कैनन का M50 ये भाई का कैमरा आप इनको भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इनका फूड ब्लॉगिंग का जो पेज होता है फूड की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं ये भी तो अपनी आईडी बताओ जी सो मेरी आईडी है कि गुरविंदर सिंह व्लॉग्स इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पे भी तो ये फोटो की एडिटिंग हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये फोटो को ड्रैग करके ना इसे मैं फोटोशॉप के अंदर ले आता हूँ अभी सबसे पहला स्टेप वो है स्किन को स्मूथ करना तो मैं फोटो को ऐसे यहाँ पर ऐसे रखूँगा प्लस के ऊपर तो एक कॉपी बन जाएगी डुप्लीकेट कॉपी एंड यहाँ पर मिक्सर ब्रश टूल होता है सेकेंड स्टेप लेवल्स ये छोटा सा गोला सा बना होता है इसके ऊपर जाऊंगा मैं यहाँ से लेवल्स तो अभी हम चेक करते हैं बिफोर आफ्टर लेकिन मैंने ऐसे फोटो को नहीं रखना क्योंकि ये पूरी फोटो के ऊपर इफेक्ट आ गया मैं चाहता हूँ कुछ ही जगह पर इफेक्ट आए तो लेवल्स का ये मास्क कह सकते हैं इसको तो यहाँ से मैं करूँगा इसको इन्वर्ट एंड यहाँ से ब्रश हम चेक करते हैं बिफोर आफ्टर अभी सिर्फ लाइट का इफेक्ट आप देख सकते हैं सेंटर में आ रहा है सिर्फ यहाँ से डायगोनली यही वाली मुझे चाहिए था दो चीजें होगी डन अब तीसरी चीज हमने यहाँ पर करनी है वो है कलर लुकअप तो वो क्या होता है यहाँ पर बस जाना है कलर लुकअप के अंदर बहुत ही आसान सा काम है यहाँ से बस चूज करते हैं ड्रॉप ब्लूज फेडेड से लुक आगे बढ़िया लग रही है मतलब ब्लू कलर सारे हट गए हैं फोटो में से लेकिन इसका भी मैं ओपेसिटी और फिल थोड़ी थोड़ी कम कर दूंगा वे चौथा स्टेप वो है डॉज एंड बर्न तो प्लस के ऊपर क्लिक करा दो खाली ड्रेस बना दी मैंने दोनों के अंदर शिफ्ट F5 दबाकर 50% ग्रे यहां से फिल कर देना और ब्लेंडिंग मोड दोनों के ओवरले तो अभी सबसे पहले डॉज मैंने सिलेक्ट करा हुआ नीचे से तो यहां पर होता जी हमारा कहां गया ये रहा मतलब जहां पर पहले से लाइट है ना वहीं पर इसको यूज करना ताकि लाइट और थोड़ी सी ज्यादा हो जाए हल्की सी मतलब बढ़िया लगे शाइन इफेक्ट वो चीज अब इसी तरीके से बर्न इफेक्ट जहां पर थोड़ा सा शेड इफेक्ट सा देना है वहां पर इसको यूज कर देंगे अभी ये दोनों डॉज एंड बर्न की ना ओबेसिटी और फिल उनको थोड़ा थोड़ा कम कर देना बिफोर आफ्टर बढ़िया जी पांचवी चीज सिलेक्टिव कलर तो इसी के अंदर यहां पर होता है हमारे पास सिलेक्टिव कलर तो यहां पर ना सबसे पहले नीचे ब्लैक्स के ऊपर जाऊंगा कलर्स के अंदर ब्लैक्स यहाँ पर ना अगर ब्लैक को मैं कम करूँगा तो फोटो फेडेड हो जाएगी बढ़ाऊँगा फोटो में कंट्रास्ट ज़्यादा हो जाएगा इसी तरीके से ब्लैक के अंदर ही अगर ये येलो यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यू को कम करूँगा फोटो ब्लू हो जाएगी बढ़ाऊँगा तो ये येलो हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए हल्की हल्की सी चेंजेस है बस -1 यहाँ से 1 बस इसके बाद यहाँ पर न्यूट्रल्स हैं यानी कि मिड टोन टाइप चीज़ें होती हैं इसमें भी ब्लू येलो यही चीज़ होती है लेकिन ज़्यादा नहीं करनी
ब्लैक है, ये मैं करूँगा माइनस टू और इसको थ्री। इससे फोटो में हल्की सी येलो टोन भी आ गई है, मतलब टोन अच्छी हो गई है जो भी हम कहें, ये हल्का सा फ़र्क है लेकिन बढ़िया आ गई टोन, बढ़िया लग रही है। पांच चीज़ें हमने कर दी, अभी सिक्स्थ चीज़ वह ग्रेडियंट इफेक्ट। तो यहाँ से मैं खाली लेयर बनाऊँगा एक, तो उससे क्या करना है बस थोड़ा सा डार्क सा इफेक्ट देना है। तो यहाँ पर ब्लैक वाइट कलर सेलेक्ट है मेरा, एंड यहाँ पर ये होता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट टूल, ऊपर से कलर्स पर जाएंगे बेसिक्स, यहाँ पर ये ब्लैक टू ट्रांसपेरेंट वाला। अभी सेवंथ चीज हमने करनी है कैमरा रॉ फिल्टर, तो वो उसके लिए मुझे ना खुद की एक फोटो चाहिए, तो फोटो अभी नीचे पड़ी है, तो इसके लिए मैं कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई दबाऊंगा, ए क्लियर बन गई। अब फिल्टर पर जाकर यहां से कैमरा रॉ फिल्टर, तो यहाँ पर कैसा देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर सेट करी हैं, जो चेंज करी हैं, यहाँ से कर देते हैं ओके। सात चीज़ आई थिंक हमने कर दी, अभी एट्थ चीज़ कलर लुकअप दोबारा से, मतलब वही चीज़ जो हमने पहले करी थी सेम चीज़ दोबारा से करनी है, कलर लुकअप के अंदर जाकर ड्रॉप ब्लूज एंड ओपेसिटी फिल दोनों थोड़ा थोड़ा कम। अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पर गाइस फिर से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई दबाऊंगा ताकि एक फोटो फिर से मर्ज होकर आ जाए, एंड यहाँ पर जाना मैंने फिल्टर, फिल्टर शायद ऊपर आपको नहीं दिख रहा होगा, फिल्टर के अंदर अदर के अंदर हाई पास, यहाँ से तीन नंबर रेडियस ओके जी। यहाँ से मैंने एक्चुअली क्लैरिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि फोटो मेरी कम फोकस में आई थी, इसलिए यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड में चूज़ कर रहा हूँ लीनियर लाइट। अभी ऑल्ट तो आकर यहाँ से मास्क के ऊपर क्लिक करा, अभी बिल्कुल ब्लैक हो गया यानी कि इफेक्ट हट गया। अभी जहाँ पर इफेक्ट चाहिए यहाँ से वाइट कलर को यूज़ करके ना ब्रश का वहाँ पर इफेक्ट को डाल देंगे। अभी यहाँ से हम चेक करते हैं एक बार बिफोर आफ्टर, ऑल्ट दबाकर बिफोर आफ्टर। अभी यहाँ पर गाइस मैंने अपना लोगो कॉपी करा हुआ है, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंड अभी फाइनली मैं लेवल्स का दोबारा से यूज करने लगा हूँ। बहुत ही बढ़िया फोटो बिल्कुल रेडी है हमारी, इसको हम कर देते हैं सेव, इसका नाम किया कि आर टी रख देते हैं ना, रिटच्ड, एक बार चेक भी कर लेते हैं यहाँ से, बहुत ही बढ़िया भाई।